आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सब्जाजार में 7 साल बच्चे का अगवा के बाद कत्ल का मामला सामने आया था। 2 रोज़ ऑपरेशन के बावजूद पुलिस नाले से लाश निकालने में नाकाम रही। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने लाश निकालने के लिए इनकार कर दिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, सदर इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी नहली जो है वो सामने आई है, जिसमें थाना सब्जाजार की हदूद में अगवा के बाद मुबैना ज्यादती और कत्ल होने वाला जो 7 साल जान को कत्ल करके नाले में फेंकने का जो मामला था, पुलिस हाल बच्चे को तलाश नहीं कर सकी। गुज़िश्ता रोज मुलजिम के इतराफ़ जुर्म पर पुलिस की जानिब से नाले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जो कि 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और लवाहिकीन पर यह दबाव डालना शुरू कर दिया। लवाहिकीन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया के पुलिस को वो लिख कर दें कि वो बच्चे को तलाश नहीं कर सकते, जिसके बाद अब जो है लवाहिकीन ने कहा कि अगर हमारे बच्चे को पुलिस ने तलाश ना किया तो वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और अब जो है वो पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर हाथ जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, ना ही 7 साल अजान को तलाश करने के लिए कोई नाले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और ना ही किसी रेस्क्यू से रابطہ किया जा रहा है। हमारी जब रेस्क्यू जरा से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें जब पुलिस बुलाएगी तो हम सब आएंगे, इसके अलावा हम यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब पुलिस की जानिब से जो है वो मुकम्मल तौर पर चुप साध दी गई है। अगवाकार जो था वो तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी तक उसकी तफ्तीश के हवाले से भी कोई बयान और जो अहम जो इंकशाफात है वो पुलिस की सामने जानिब से सामने नहीं आ रहे। जी ठीक है, अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।